आज खतीब क्या खुतबा पढ़े, इसलिए कि आज वो रात है कि मुशरिक आशूर की रात। हाँ सादारों, कयामत की रात है कि हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं। शबे आशूर वो रात है कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस रात को कुछ हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा दुआ का था, दूसरा हिस्सा लबैक अलैहिस्सलाम के साथ का था, और तीसरा हिस्सा असहाबों के साथ था। अज़ादारों, सबसे पहले हमें चाहिए कि हम जमाने के इमाम का ज्यादा से ज्यादा सदका निकालें, उनकी सलामती की दुआएं करें। आज यकीनन उलमा कहते हैं जमाने के इमाम का दिल बहुत गमगीन और बेचैन है, क्यों ना हो। क्योंकि जो ज्यारते नहीं कहते हैं कि मुझे जमाने ने पीछे छोड़ दिया, जत्ते को सुनो। आज जमाने के इमाम खून के आंसू रो रहे हैं, उन्हें वो मनाज़िर नजर आ रहे हैं। हाज़ादारों, शबे आशूर को रात है कि असहाबों के खैमों से, अरे इस तरह से इबादत की आवाजें गूंज रही थी जैसे शहद के मक्खियों के बिन बिनाने की आवाज आती है। कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई नमाजों में मशगूल, कोई दुआओं में मशगूल, कोई तस्बीह, कोई तहलील। हाज़ादारों, आवाजें गूंज रही है, सब इबादतों में मसरूफ है, और एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अरे हाय, अरे खैमों के अतराफ घूम रहे हैं, एक एक खैमों का मुआयना कर रहे हैं। हाज़ादारों, ये वो रात है कि जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह ने कहा था भैया, अरे इमाम हसन को भैया को छोड़कर असहाब चले गए थे, अरे नाना के असहाब ने भी साथ छोड़ दिया था कि हमने असहाबों का इख्तियार ले लिया। आज़ादारों, इतना सुनना था, या आवाज अबीब इब्ने मज़ाहिर ने सुन ली। एक मर्तबा सबको बुलाया और कहा कि अरे मौला, आप बीवी से कह दीजिए अगर आप इजाजत दे दे तो हम अपने गलों को अभी काट दे। अरे आप इजाजत दे दे, यकीनन हम अपनी जानों को अभी आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये असहाबों का हौसला था, तभी तो बीबी से नबी सल्लल्लाहु ने क्या कहा, अरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रिया, आपको ऐसे असहाब मिले जो किसी को न मिले। हाज़ादारों, और जब मौला हुसैन एक एक खैमे के अतराफ जाते हैं, बीवियां तमाम अपने अपने बच्चों को, अरे एक मर्तबा अपने वक्त के इमाम पर से जान कुर्बान करने के लिए समझा रही है। पहले जब मौला हुसैन जा रहे हैं, वहां जाकर रुके जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह का खैमा है, एक मर्तबा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह मौला मोहम्मद से क्या करें, बेटा ओनो मोहम्मद, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, समझाने की जरूरत नहीं। देखो कल कुर्बानी का दिन है, शान जाफरी बता देना। अरे एक मर्तबा ही माँ वक्त के इमाम पर से अपने बेटों को कुर्बान होने के लिए कह रही, मैं कहूँ बीबी आप चांद से चेहरों को देख लीजिए, कल की रात होगी ओनो मोहम्मद नहीं होगी। तेरी बच्चों को बता रही है, वहाँ इमाम जो बाहर खड़े हैं, वक्त के इमाम के हाथ बुलंद होते हैं, मेरी बहन को सब्र देना। आज़ादारों, जब माँ, अरे यहाँ एक अपने
जरा भी कासिम, लेकिन अपने बच्चों को यही कह रही है, देखो बेटा कल अपनी जान को कुर्बान करना। मैं कहूंगी फरवान कासिम के बहुत आपके अरमान थे कि आप इसका ब्याह करेंगे, लेकिन कल वही कासिम, अरे हाय खाको खून में होगा, कासिम की लाश में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आंखों में फिर अश्क नमूदार हुए, आपने दुआएं की, आगे बढ़ते हैं एक खैमे से रोने की आवाज आ रही है, ये किसका खैमा था, ये बीबियों में कंजूम का खैमा था, बीबी कह रही थी परवरदिगार अरे काश मेरे भी एक बेटा होता तो मैं भी उसे कुर्बान कर। मर्दबा मौला अब्बास आगे बढ़े, बहन क्या हुआ वहाँ सब माए अपने अपने बच्चों को तैयार कर रही है, अरे मैं ये सोच रही हूँ कि मैं किसकी कुर्बानी पेश करूँगी। मौला अब्बास ने कहा बहन गम ना करो, अब्बास हाजिर है कल कुर्बानी के दिन, अरे मैं अपनी जान अरे कुर्बान करूँगा, तुम्हारी तरफ से कुर्बान करूँगा। बस भाई बहन की मोहब्बत देखी, मौला हुसैन की आंखों में अश्क नमूदार हो गए, अरे हाय दुआएं देते देते आगे बढ़े, अब उम्मे लैला का खैमा है, शम्मा लिए माँ एक मल्लवा अली अकबर का चांद सा चेहरा दे, हाय अली अकबर अरे कल यही, अरे खाको खून भी कल दान होगा, कल यही जवान एड़िया अरे मौला हुसैन दुआएं देते हुए पढ़े, लेकिन अब जिसका खैमा आया वो बीबी उम्मे रबाब एक मर्तबा असगर का झूला झुलाते कह रही है, असगर तुम तो घुटनियों पर भी नहीं चल सकते, हाय मैं किसकी कुर्बानी पेश करूंगी। मशीहत कह रही हूँ कि उम्मे रबाब घबराना नहीं, एक कल अली असगर भी कुर्बान हो जाएंगे, झूला खाली हो जाएगा। हाँ एक मर्तबा मौला हुसैन भी अरे आंखों में अश्क है, जानते हैं कि रबाब सोच रही है कि किसकी कुर्बानी पेश करूंगी, मगर कल असगर के गले में तीर लग जाएगा। आजादा रो मौला हुसैन आगे बढ़ रहे हैं, अब जो एक मर्तबा मदीने के मंजर को भी याद कर ले, ये शबे आशूर उम्मुल बनीन कितनी इज़्तिराबी और बेचैनी से गुजर रही होगी, हाय फातिमा सुग्रा भरे घर को याद कर रही होगी, अरे मदीना कितना सूना हो गया, हाय यकीनन फातिमा सुग्रा अरे बेचैनी से रात को गुजार रही होगी, उम्मुल बनीन रो रही होगी। यहाँ मौला हुसैन अब जब आगे आगे बढ़ रहे हैं, पीछे किसी के आने की आहट महसूस की, पूछा कौन है, कहा हिलाल, हमें आपका गुलाम हिलाल हो मौला, मुझे खतरा महसूस हुआ कहीं दुश्मन आप पर हमला न कर दे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आया। इमाम हुसैन कहते आओ हिलाल, मैं आसमान में कुछ पहचाना बताना चाहता हूँ, देखो उस आसमान पर देखो। अब मौला हुसैन ने अरे हिलाल को सारे असहाबों के दरजे जन्नत के बदल दे, ऐ हिलाल देखो मेरे असहाबों के जन्नत के दर्जात देख लो। इसके बाद आगे बढ़े अब वो जमीन अरे जहां कल मेरे प्यारे के विवाद है, अरे देखो हिलाल ये वो जगह है जहां और मोहब्बत करेंगे। देखो यहाँ से और मोहम्मद के लाशों को उठाया जाएगा, हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरे भाई अब्बास के पास गिरेंगे। अरे बोला उसे ने क्या कहा था, पास मेरे मरने से मेरी कमर टूट गई है। आगे बढ़े फिर कहते हिलाल ये वो जगह है जहाँ कासिम गिरेंगे,
हिलानी अली अकबर घड़ियल जवान, अरे पर्ची खा कर गिरेगा हाजादा रूह घड़ियल जवान का एड़िया रगड़ना। हाय अरे मौला हुसैन बता रहे हैं कि वही जगह है कि कहां अली अकबर इस तरह से तड़प रहे होंगे और किस तरह से वो पर्ची का फल निकालेंगे। अरे यहां असगर को तीर लगेगा, फिर एक मर्तबा नशे की जाने पड़े। अब एक जगह आई, उसकी जगह इशारा किया, हिलाल ही वो जगह है जहां कल तुम्हारा मौला सूखा गला होगा मेरा। अरे शिमर का अंत कर जाऊंगा, क्या देखा हिलाल कुछ सुंदर है, क्या हुआ हिलाल, कहां किसी बीवी की रोने की आवाज आ रही है मौला। ऐसा कोई रो रहा है जिसका कोई जवान गुजर गया, मौला आवाज आ रही है आजादा रो मौला हुसैन कह रहे हैं। अरे मेरी मादर गिरामी फातिमा ज़हरा, अरे वो उसकी आवाज तुम सुन रहे हो, वो यहाँ पर आ चुकी है। हिलाल देखो सभी को मेरी मादर इसलिए साफ कर दिया कि कल जब मैं घोड़े पर से गिरूं तो मुझे पत्थर न लगे। लेकिन फिर मौला ने एक जुमला कहा, हिलाल ये सोच रहा हूँ कि कल जब मेरा सूखा गला शिमला का